परमानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल सेक्टर 6 जिले का पहला एवं प्रदेश का तीसरा खगोल शास्त्र प्रयोगशाला का शुभारंभ बुधवार 4 जनवरी को हुआ। निगम महापौर नीरज पाल और आयुक्त रोहित व्यास इस मौके पर विशेष रूप से शामिल रहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की स्थापना पूरे प्रदेश भर में इस उद्देश्य से की गई थी कि वह बच्चे जो पैसे के अभाव में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा निजी स्कूलों में नहीं ले पाते हैं, उन्हें भी अंग्रेजी की शिक्षा मिल सके। और उनकी मंशा थी कि प्रदेश के इस सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में निजी स्कूलों से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसी को साकार करते हुए सेक्टर 6 भिलाई स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में जिले का पहला और प्रदेश का तीसरा खगोल शास्त्र प्रयोगशाला का शुभारंभ भिलाई निगम महापौर नीरज पाल और निगम आयुक्त रोहित व्यास के हाथों से किया गया। विधिवत फीता काटने के बाद दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी भिलाई निगम महापौर नीरज पाल निगम आयुक्त रोहित व्यास ने खगोल शास्त्र प्रयोगशाला का अवलोकन किया, जहां रखे हुए उपकरणों एवं छायाचित्र को देखकर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने उपस्थित लोगों को कुछ जानकारियां भी दी। साथ ही मीडिया से मुखातिब होकर जिला शिक्षा अधिकारी भिलाई निगम आयुक्त एवं भिलाई निगम महापौर ने इस प्रयोगशाला को बच्चों की शिक्षा में काफी मददगार बताया और आने वाले समय में ऐसी प्रयोगशालाएं अन्य शासकीय स्कूलों में भी प्रारंभ करने की बातें कही। स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 6 में आज जो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जो प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है, ये इस ज़िले में पहली प्रयोगशाला है। इसमें विज्ञान के बच्चों को इसमें बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि अंतरिक्ष से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों को जो अभी भी अनसुझी पहेलियां हैं, उसको एक कौतूहल रहता है बच्चों को जानने का। किताबों में उतना उनको डिटेल में जानकारी नहीं मिलती, जैसे बाकी लैब होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, अंतरिक्ष को लेकर अगर एक लैब प्रयोगशाला अगर रहेगी तो उनको वहाँ पे वो अनुसंधान करने के लिए, वो खोज करने के लिए अपने विषय से रिलेटेड एक तो उनकी जिज्ञासा बराबर बनी रहेगी और उनको उसमें सुविधा भी होगी। तो ये जो आज लैब का उद्घाटन हुआ है, ये यहाँ के बच्चों को बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जी सभी स्कूलों में इसके बाद हमारा जो दूसरे स्वामी आत्मानंद जो भी स्कूल है, सभी स्कूलों में इस तरह के लैब होंगे। जितनी बेहतर सुविधाएं हम बच्चों को दे सकते हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि वो सारी सुविधाएं हम ये स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों को दे सकें। आने वाले समय में कुर्सी पार में, फरीदनगर में, खमरिया में जो हमारे स्वामी आत्मानंद स्कूल है छावनी में, हम सभी स्कूलों में इसकी व्यवस्था करेंगे। और ये इसके साथ साथ और भी दूसरे विषय के भी लैब्स जो है वो चालू हो सकेंगे। आज सेक्टर 6 सेजेस में एस्ट्रोलैब का उद्घाटन हुआ है और इसमें कलेक्टर साहब का विज़न और कमिश्नर हमारे रोहित व्यास सर का प्रयास है। मोर शहर मोर विजन के तहत जो शहर के जिम्मेदार नागरिक हैं उनके द्वारा ये निर्माण किया गया है। और ऐसा ही हम लोगों की योजना है कि ये लगभग सभी सेजेस में इस तरह के खगोल शास्त्र लैब हों, ताकि बच्चों की जिज्ञासाएं शांत हो सकें और विज्ञान के प्रति उनमें रुचि बढ़ सके। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो है छत्तीसगढ़ शासन की फ्लैगशिप स्कीम है, जिसका उद्देश्य यह है कि हमारे जो शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे हैं उनको उच्च कोटि की शिक्षा जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स में मिलती है, उसी तरह की शिक्षा हम लोग भी यहाँ प्रोवाइड करें। इसी तारतम्य में सेक्टर 6 भिलाई के स्वामी आत्मानंद स्कूल में आज एस्ट्रोनॉमी लैब की शुरुआत महापौर महोदय के कर कमलों से हुआ है। माननीय कलेक्टर महोदय का इसमें दिशा निर्देश था कि शहर के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो शहर के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें, और उन्होंने एक मोर शहर मोर जिम्मेदारी का कॉन्सेप्ट दिया था। उसी के अंतर्गत ALP अलायंस प्राइवेट लिमिटेड ने आज यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी लैब की स्थापना की है। स्वामी आत्मानंद स्कूल का परिकल्पना ऐसे ही किया गया था कि जो हमारे शासकीय स्कूल के बच्चे उनको हम लोग इस टाइप की फैसिलिटी दें जो प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं मिलती है, और लगातार उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। और उसी में कलेक्टर साहब के दिशा निर्देश में आज हम लोगों ने यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी लैब का शुभारंभ किया है। हाँ, जिस तरह से संसाधन उपलब्ध होते जाएंगे इसके लिए हम लोग PPP मोड में भी जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के जो हमारे साथी हैं उनसे भी हम लोग इसमें सहयोग ले रहे हैं। ये लैब भी उसी का एक उदाहरण है। ये पूरा प्राइवेट सेक्टर से जो मोर शेयर मोर जिम्मेदारी और CSR के अंतर्गत बनाया गया है। स्कूल के बच्चे इस प्रयोगशाला को देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित भी रहे और उन्होंने अब तक सिर्फ सोशल मीडिया, टेलीविज़न और पुस्तकों के माध्यम से ही खगोल शास्त्र पढ़ने की जानकारी दी और बताया कि अब हमें खगोल शास्त्र पढ़ने के लिए किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खगोल शास्त्र की प्रयोगशाला अब हमारे स्कूल में है
और इसका भरपूर लाभ विद्यार्थियों को मिल पाएगा। As we all know that we only stopped in the bookish language, the bookish knowledge, but from this astronomy lab we are here to get the knowledge of our universe and by practically and physically we can do all the activities and understand all the things apart from the bookish knowledge. So I think it's so much useful for us to understand the universe. अभी ये अभी न्यू चालू हुआ है, मतलब अभी इसका रेनोवेशन आज जैसे हमने देखा कमिश्नर साहब ने आज इनका और महापौर साहब ने रेनोवेशन करके ये लैब चालू कर दिए। अब बच्चे इसका अधिक से अधिक ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें पृथ्वी के बाहर सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और हम देख सकते हैं कि अंतरिक्ष के बाहर की पढ़ाइयाँ जैसा कि हमने टीवी में ही देखा है आज तक कि कल्पना चावला नील आर्मस्ट्रांग जैसे बड़े बड़े एस्ट्रोनॉट्स को बाहर जाते हुए अब हम इनके बारे में और जान सकेंगे और इनके बारे में देख सकेंगे तो ये सब बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा। फ्रॉम हियर वी आर वेरी अमेज्ड टू सी दिस लैब टू नो अबाउट द यूनिवर्स दैट हाउ इट लुक लाइक्स टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू अबाउट अवर यूनिवर्स द एस्ट्रोनॉमी इट इज़ समहाउ डिफरेंट Yesterday we saw the moon really that how it actually look like through the stargazing session with full of amazement and enthusiasm. It was an amazing view of the moon, our moon. ऐसा आज तक imagine नहीं किया था हम लोगों ने कि हमारे स्कूल में खास करके हमारे स्कूलों में ऐसा लैब बनेगा और इस लैब का imagination भी एकदम खास है। हमारे चैप्टर से कई एक चैप्टर हैं इसके 9th क्लास में बेसिक्स सोलर सिस्टम के, तो आज हम लोग को उसको इमेजिन करना भी मुश्किल था कि हमारे स्कूल में ये लैब बनेगा। वो बहुत सुंदर है, टेलीस्कोप वगैरह रखा गया है यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मुझे पता नहीं है बट बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब पूरे सोलर सिस्टम वगैरह के बारे में बता। बहुत अच्छा लगा सर, हम लोग को लग रहा है कि हमारे पास मून आ गया है ऐसा टाइप का। खगोल शास्त्र प्रयोगशाला में हर वह उपकरण मौजूद है जो किसी बच्चे को खगोल शास्त्री बनने में महती भूमिका निभाएंगे। इसमें वह दूरबीन भी है जिससे चांद और अन्य ग्रहों की सतह को देखा जा सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिन उद्देश्यों से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थापना की है वह अब सार्थक होता नजर आ रहा है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।